हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है डीवी कॉर्प लिमिटेड। अभी डीवी कॉर्प जो है प्रिंट एंड मीडिया सेक्टर से रिलेट करता है, बेसिकली प्रिंट एंड पब्लिकेशंस। सो आप चार्ट देखेंगे, चार्ट पहली बात तो स्ट्रक्चर कमज़ोर है इस चार्ट का और बहुत तेज़ी से टूटा है। मेरे को अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो उतने कमज़ोर नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन है दोनों चीज़ों में, कि प्रमोटर ने अपना स्टेक पिछले दो साल में बढ़ाया है, 69% से 71% किया, तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन वहीं पे जो उनका जो प्लेजिंग है ना प्रमोटर का, वहाँ पे 33% का प्लेजिंग है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, ये प्रमोटर प्लेज जो है वो भी उन्होंने कम किया है पिछले दो साल में। एक तो ये है कि प्रमोटर स्टेक बढ़ाया है, दूसरा जो अपना प्लेजिंग है वो पिछले दो साल में 44% से 50% तक भी गया था, लेकिन उसको घटा के 33% पे लाया है। सो यहाँ पे ओवरऑल आप बोल सकते हैं, अगर ट्रेंड वाइज देखेंगे तो बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन जनरली क्या है कि प्रमोटर प्लेजिंग जो है मैं उसको प्रिफर नहीं करता। मतलब अगर मैं देखता हूँ तो मैं उससे थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, अगर अच्छे नहीं तो ठीक है, ख़राब नहीं है, और प्लस इनका कोई डेट भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन क्या है ना कि ये जो प्लेजिंग वाला है, प्लेजिंग में अगर शेयर प्राइस एक लेवल के नीचे टूट जाते हैं, सो जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास आपने प्लेज रखा हुआ है वो फिर उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद प्राइस डैमेज और तेज़ी से बढ़ता है। सो ये एक इम्पैक्ट है, ये मैंने एक इम्पैक्ट बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोबेबली हो सकती है और जिनसे हमको बच के रहना है। सो इसीलिए मैं प्लेजिंग को ज़्यादा मतलब तूल नहीं देता या उसके आसपास नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्लेज वाली कंपनीज ख़राब होती है, लेकिन 30% प्लेज इज़ वेरी हाई इन अ सेंस, और जैसा मार्केट कंडीशन है और इसमें स्टॉक की पिटाई होनी स्वाभाविक है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा चीज़ है, चार्टिकली तो हम बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा चीज़ है ये है कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है और कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर अपने प्लेजिंग के बारे में। क्योंकि अगर ये अपना स्टेक बढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट जो है पॉजिटिव है, लेकिन प्लेजिंग के बारे में ये अगर कंटिन्यूसली कम करते हैं तो एक अच्छा फिर ये चीज़ हो जाएगा कि मतलब स्टॉक जो है टूट रहा है उतना नहीं टूटेगा। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट की बात करें तो फिलहाल ये जो रेंज देख रहे हैं ना आप इंटरमीडिएट टर्म में, नीचे का 70 और ऊपर का 103, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर ये टूटता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ पे इसका को बहुत पता नहीं, अब नीचे का पूरा खुल जाएगा एरिया, तो कहाँ तक जाता है वो हम बोल नहीं पाएंगे। तो ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, तो आपका जो करेंट रेंज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, नीचे का 70 और ऊपर का 104-105, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। और इसके अंदर ही अभी शेयर प्राइस मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। और आपका जो मतलब आप ज़्यादा इसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइए स्टॉक पे, क्योंकि इसका हाई पे भी पहुंचने के लिए, इसके हाई पे है अगर स्टॉक को अपने पुराने हाई पे पहुंचना है तो भी उसको 500% का जहाँ नीचे से जंप लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन 500% बहुत ज़्यादा होते हैं पहली बात तो, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ये ट्रेंड देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसने ब्रेक किया है, तो ये दो तीन नेगेटिव चीज़ें देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली ये ट्रेंड में फॉल हो रहा था, लेकिन इतना तेज़ी से ब्रेक किया है ये, सो इसका ये इसीलिए प्रोबेबली मेरे को उतना नहीं पता, प्रोबेबली क्योंकि डेट नहीं है तो ये सब जो प्लेजिंग का इम्पैक्ट इस तरीके से भी आता है। सो आपका जो पहले इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये है, मतलब ये जोन ये है सपोर्ट, आप इसके नीचे पूरा का पूरा खुल जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर 102 है, ये यहाँ तक है, लेकिन वो ये बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 113, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके 113 के ऊपर गया तो ये
ये कम से कम पार होना चाहिए, ये जोन पार होना चाहिए 133। 133 के ऊपर गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जोन टच कर सकते हैं 180 का, और ये जोन के ऊपर गया यहाँ पे ये जो जोन है आप देख रहे हैं 200-210 के ऊपर गया, तब हम बोल सकते हैं कि ये फिर ये ऊपर वाले रेंज में आ जाएगा, ये ऊपर वाले ये जो रेंज है पुराना रेंज उसमें आएगा। बट यहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत लंबा है प्राइस चार्ट का, देखिए ये जो रास्ता है बहुत लंबा है, और ये जो ट्रेंड टूटा है ना, एक तो डिक्लाइनिंग ऊपर से टूट गया, ये बहुत नेगेटिव चार्ट को बहुत नेगेटिव कर दिया है, सो ये नहीं होना चाहिए था। सो दो तीन चीज़ें हैं, नीचे के साइड ये सपोर्ट लेवल है, नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो फिर ये फिर जहाँ पे रुकेगा उसके बाद देखा जाएगा। और अगर हम मानते हैं कि ये फाइनल बॉटम बना लिया, अगर ऐसा है तो भी, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये हमारा रेंज यही होना चाहिए, हमको ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक नहीं, यही रेंज होना चाहिए। इसके ऊपर गया तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 113, और इसके ऊपर जाने के 130 के ऊपर जब गया तब ये वाला पॉसिबिलिटी है 180 का। सो यहाँ और यहाँ तक के बाद ये एक जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, तो वंस 210 क्रॉस हो जाएगा फिर हम इस जोन और इस जोन की बात करेंगे। सो वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी है तो इस जोन के ऊपर मत जाइए, पेसिमिस्टिक अगर है तो ये आपका लाइन ऑन द सैंड है, इसके नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये आपका जोन है अभी जो करंट इंटरमीडिएट जोन है, ये है, इसके ऊपर गया तो फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा चार्ट एनालिसिस था डीवी कॉर्प के ऊपर, एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।